बाहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल खत्री। रोज़ इसी समय हम आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हो या बाकी खबरें हों। आज जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, इंडिया टचेस 50,000 केसेस इन 24 आवर्स, अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पिछले 24 घंटों की बात करें, जिस तरीके से रोज़ आता है 50,000 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा जो है वो आज हिंदुस्तान ने पार कर लिया है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 470 पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है जो सामने आया है। आंकड़े रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं 470 के आंकड़े की बात करें, श्रीनगर में 132 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज सामने आए हैं, बारामूला में 11, कुलगाम में 23, शोपियां में 1, अनंतनाग में 53, कुपवाड़ा में 6, पुलवामा में 38, बड़गाम में 23, बांदीपुरा में 20, गांधरल में 2, जम्मू में 37, कठुआ में 10, राजौरी में 20, उधमपुर में 15, रामबन में 15, सांबा में 12, डोडा में 15, 3 पुंछ, 23 किश्तवाड़, रियासी में 11। तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो है 470 का है आज। वहीं रिकवरी की तरफ गौर करें तो आंकड़ा रिकवरी का है 474 का है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जम्मू के अलावा श्रीनगर की खबरों से भी रूबरू करवाएं। हमारे साथ श्रीनगर से अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, एक बार फिर से 470 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर यूटी में आना, और पिछले 24 घंटे में अगर 50,000 केसों का पार होना, चिंता का विषय। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। राहुल जी, जिस तरह से हमने पहले भी बात की है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने ज्यादा केसेस बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा चिंता का विषय सरकार के लिए और उससे ज्यादा जनता के लिए बढ़ता जाएगा। हमने कंटिन्यूसली इस बारे में बात की है कि जम्मू कश्मीर में जो नंबर ऑफ जो बेड्स की कैपेसिटी है हॉस्पिटल के अंदर वो काफी कम है। अगर वो ज्यादा है तो भी जो क्रिटिकल केयर कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए जो बेड कैपेसिटी है वो काफी कम है, जिसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने पहले से इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस रखा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खबर भी रही, वो जम्मू कश्मीर की नहीं लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर वो खबर पूरी साबित हो रही है कि पहले 3-4 महीने में हमारे पास में जितने भी केसेस थे या लगातार पिछले 20 दिन पहले तक जितने भी हमारे पास केसेस थे वो एसिम्टोमेटिक थे या फिर माइल्ड केसेस थे, यानी उनमें कोई क्रिटिकलनेस नहीं थी, और वो सारे ही केसेस जितने भी थे वो सब हॉस्पिटल्स की तरफ शिफ्ट कर दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हमने श्रीनगर में भी देखे आज के जो केसेस है लगभग 130 के आसपास पॉजिटिव है। उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं जम्मू डिवीजन की, तो वहां पर भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो काफी ज्यादा है। उसके साथ साथ जो त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है उसकी वजह से भी भीड़ जो है वो बाहर आनी शुरू हो चुकी है, और अन्य जिस तरह से अगर आप त्योहार के लिए नहीं भी आए तो एक गेड़ी मारने के लिए जरूर लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। 132 केसेस आज श्रीनगर से पॉजिटिव है, उसके बाद बड़गाम से 23 केसेस पॉजिटिव है, पुलवामा से 38 केसेस पॉजिटिव है जी। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो लगभग 470 का आज हो चुका है जम्मू कश्मीर में। कहीं ना कहीं पिछले दिनों के मुकाबले जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि 470 जरूर आज के पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन 474 केसेस जो है वो रिकवर हो चुके हैं, यानी 4 ज्यादा केसेस ओवरऑल में 4 केसेस हमारे पास में ऐसे हैं जो ज्यादा रिकवर हुए हैं डेली रूटीन से। अब देखने वाली बात यह है राहुल जी कि किस तरह से हॉस्पिटल्स अपने अंदर का जो रश है उसको संभालेंगे, और किस तरह से हॉस्पिटल्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर के जो पेशेंट्स को एक अक्यूट केयर की जरूरत है अभी जिस तरह से उसको कैसे संभालेंगे, ये एक बड़ा चिंता का विषय है राहुल जी। लगातार अमजद हमारे चैनल ने प्रयास भी किया, डायरेक्टर हेल्थ से भी बात करने के प्रयास किए, और पहले भी जब कभी रोहित कंसल जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तो ये साफ तौर पर कहा जाता था कि 7,000 तक जो है कैपेसिटी के लिए तैयार बैठे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो अभी आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और एक अनाउंसमेंट का सामने आना कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं जिनके कोई किसी तरह के सिम्टम शो नहीं हो रहे, उन पेशेंट्स को जो है जम्मू कश्मीर में होम क्वारंटाइन किया जाएगा। एक तरफ हम ध्यान केंद्रित जरूर करना चाहेंगे कि रूही मोड़ की तरफ जो कि भोर कैंप में पड़ता है, वहाँ पर भी 10 साल से पहले बनी हुई एक इमारत, वहाँ पर अभी तक वो इस्तेमाल में नहीं है। हमारा प्रयास, हमारा कोशिश यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है उस तरफ भी केंद्रित किया जाए कि इस तरह की कई सरकारी बिल्डिंग्स अभी भी ऐसी हैं, चाहे वो मेडिकल विभाग की हों चाहे वो दूसरी हों, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए। तो किस तरीके से देखते हो ये ऑर्डर जो सामने आ जाया है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो है उनको सीधा होम
जिनमें कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे? राहुल जी, जब हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अगर हम बात करें, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जितने भी लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया है, उसमें उन्होंने सबसे पहली बात जब शुरुआती दिनों में ही बताया था तो उन्होंने ये चीज़ बोला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपको सिम्टोमेटिक जो जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में तो रखना जरूरी है, लेकिन उनके लिए होम क्वारंटाइन भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उनसे जो वायरस है उसके फैलने के काफी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो वायरल लोड है वो काफी कम है, जी। तो उनका ट्रीट होना भी ज्यादा आसान है और ज्यादा जल्दी है, वक्त उनको काफी कम वक्त लगेगा रिकवर होने में भी। जिस तरह से हमने देखा भी है, जब हमने आपको अभी बताया कि शुरुआत में हमारे पास में एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस काफी ज्यादा थे, इसीलिए हमारा जो रिकवरी रेट है वो 63% 65% के आसपास चल रहा था, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो अब काफी कम हो चुके हैं, और जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत है या जो माइल्ड सीरियस केसेस हैं अब वो हॉस्पिटल्स में आने ज्यादा शुरू हो चुके हैं। अब ये फैसला क्यों लिया गया है राहुल जी, हम आपको बताना चाहेंगे, इस पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि जी 7,000 की हमारी बेड कैपेसिटी थी ओवरऑल जम्मू कश्मीर की, अगर हम मेडिकल हेल्थ की बात करें जो इमरजेंसी में इस पेंडेमिक में यूटिलाइज होने वाली थी, जी। जो अलग से स्टॉक रिजर्व रखा गया था पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लिए, जिसके बारे में रोहित कंसल जी ने भी बताया, जिसके बारे में हमारे जो एडिशनल हेल्थ ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बताया, लेकिन अब जैसे ही हमारे पास में केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनमें सीरियस केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उनमें जो क्रिटिकल केसेस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो भी अभी तक हॉस्पिटल्स में ही हैं। जी। अब कहीं ना कहीं देखा जाएगा आगे वाले दिनों में कि शायद जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, जो टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स में हैं या प्राइमरी या फिर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में हैं, उनको कहीं ना कहीं घरों की तरफ भेज दिया जाएगा और उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। ये चीज पहले से ही जम्मू कश्मीर में लागू है, ऐसा नहीं है राहुल जी की चीजें, ये जो रेगुलेशन है ये आज लागू हुई है, ये बहुत पहले से जम्मू कश्मीर में लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग अपनी हेल्थ का कंसर्न पर आ जाते थे तो वो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स मेडिकल ऑफिशियल्स से अड़ जाते थे या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अड़ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकालकर हॉस्पिटल में रखना एक मजबूरी बन जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन अब जैसे ही हमारी बेड कैपेसिटी कम होती जा रही है उसके साथ साथ जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हें घरों की तरफ होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, या फिर जिस तरह से श्रीनगर के अंदर आज भी काफी सारे एरियाज में जो अनयूज बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह से आपने कहा कि रोहिणी मोड़ पर एक हॉस्पिटल है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो खंडर बना हुआ है, जी। तो ऐसे ही जो काफी सारे बिल्डिंग्स पूरे जम्मू कश्मीर में एक जाल फैला हुआ है ऐसी बिल्डिंग्स का, उनको यूटिलाइज करने का एक बहुत ही अहम वक्त है अभी कि उन बिल्डिंग्स में ज्यादा कोई हाई कॉस्ट रेनोवेशन ना करके बेसिक रेनोवेशन के साथ ही उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाए, जहां पर या फिर कोविड केयर सेंटर्स में एक तरह से कन्वर्ट किया जाए, जहां पर जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको डिवाइडेडली रखा जाए, जिस तरह से श्रीनगर में आज डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने पहले जिस तरह से हमने देखा था फर्स्ट फेज में जो 3,000 बेड कैपेसिटी का एक्स्ट्रा केयर सेंटर रखा था तैयार, उसकी यूटिलाइजेशन के बाद अब जैसे जैसे उन्हें लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है इन सेंटर्स की, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जितने भी ऐसे अनयूज बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हो चाहे फिर कुछ जो सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें प्राइवेट पार्टनर्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, उन बिल्डिंग्स को एज कोविड केयर सेंटर्स यूटिलाइज करने की बारी आ चुकी है, उन्होंने आज काफी सारी ऐसी बिल्डिंग्स का विजिट भी किया है, और उसके साथ साथ आने वाले 15 दिनों के अंदर लगभग 2,000 से 2,500 एडिशनल बेड कैपेसिटी जनरेट करने का वादा किया है, और बोला है कि आने वाले 15 दिनों में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए जो कोविड केयर सेंटर बनाया जाता है उसके लिए जो जो बेड कैपेसिटी है लगभग 2,000 से 2,500 तक की आने वाले दिनों में बढ़ाई जाएगी। तो जिस तरह से एक एग्जाम्पल बनकर सामने आ रहे हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी श्रीनगर में, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि सिचुएशन के आने से पहले ही उसकी तैयारी कर चुके हैं, वैसे ही पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को और सारे रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कोविड केयर सेंटर क्रिएट करें जहां पर उनके पास में कम से कम 1,000 बेड की कैपेसिटी हो, जहां पे हर रोज आने वाले एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट जिनकी रिकवरी टाइम जो है वो लगभग 7 से 10 दिन का है उन्हें वहां पे रखा जाए, तो जिन्हें टेरिटरी केयर की बेसिकली जरूरत भी नहीं है उन्हें वहां पे रखा जाए, ताकि जो क्रिटिकल केयर हमारे पास में बेड्स इक्विप्ड हैं अभी हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगहों पर उनको खाली किया जाए और जिनको उसकी जरूरत है उनको वहां पर पहुंचाया जाए। जी राहुल जी, हमसे अगर लगातार बात करें टोल पोस्ट जो लखनपुर का है, जब से वो शुरू हुआ है तब से अगर ऑपोजिशन कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर टोल प्लाजा पर लगातार विरोध करती नजर आ रही है, वहीं पर आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एक ट्वीट का सामने आना, फाइनलाइज द इशू विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लखनपुर टोल पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट
कठुआ जे एंड के टू अलाउ टोल टैक्स रिलैक्सेशन विद ए मंथली पास फॉर पीपल लिविंग विद इन रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर। तो इसी तरीके से शायद तमाम टोल पोस्ट के पास रहता भी है कि वहाँ के रेडियस में जो कि 20 या 25 जो भी डिसाइड किया जाए उस रेडियस के लोगों को टोल देने की जरूरत नहीं है, बाकी जो है मंथली पास जिस तरीके से बना सकते हैं वैसे बनाएंगे। जी ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट को मैं एक तरह से मानता हूँ कि आप जख्म पे मरहम जरूर लगा सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि मरहम किस तरह का है। ये मरहम जो लगाया गया है जी, कुछ ऐसा मरहम है जो जख्म को ठीक करने में शायद सालों लगा दे जी। या फिर इससे जो जख्म है वो ठीक ना भी हो जी। आपका एक छोटा सा काइंड कंसर्न मैं मोड़ना चाहूंगा इस चीज की तरफ कि अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक रेगुलेशन पे जाएं तो जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं उनकी जो टोल रेट्स होती हैं या तो उनको टोल पे नहीं करना पड़ता है जी, या फिर उनकी जो टोल की रेट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं 70%, 50% या 30% स्लैब पर चलती है जी। ये लोकल जो है उनको उस एरिया के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है उन्हें उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। अब आप बात कर रहे हैं 20 किलोमीटर के रेडियस की, तो ये वही 20 किलोमीटर है क्योंकि कठुआ एक छोटा जिला नहीं है जी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जब आप बात करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट की लगभग 40 से 45 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है जी। तो ये वही एक बार दोबारा से इन्होंने घुमा करके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन है वो अपने ट्वीट में डाल करके लोगों के सामने रखा है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरहम नहीं नमक की तरह से काम करेगा जख्मों पर। क्योंकि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में हमने देखा है लोग आक्रोश में अभी है बनते हुए टोल प्लाजा की तरफ, जिस तरह से बात की जा रही है कंटिन्यूसली, और अब कंसर्न खड़े होने शुरू हो चुके हैं क्योंकि रिंग रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होने वाली है, जिस तरह से नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है काफी सारी जगहों पर, अभी लगभग 10 से 15% का ही NH-44 का काम जो है वो बाकी है जी। अब श्रीनगर के लोग भी डर में है कि कहीं उन्हें श्रीनगर के हर साइड पर एक टोल पोस्ट नजर ना आए, क्योंकि श्रीनगर कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट जितने भी आते हैं, चाहे आप नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट वेस्ट की बात करें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट की एंट्री होती है, अगर आपने नॉर्थ से साउथ जाना है तो आपको श्रीनगर के थ्रू जाना पड़ेगा जी। अगर आपने ईस्ट से वेस्ट जाना है तो आपको श्रीनगर के थ्रू जाना पड़ेगा। अब लोग इस डर में है कि कहीं श्रीनगर के चार कोनों से चार अलग अलग टोल पोस्ट न खड़े किए जाए, तो ऐसा ही डर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो काफी हद तक जम्मू के लिए सही भी हुआ है क्योंकि इतने कम समय में दो टोल प्लाजा का खड़ा होना और इसके साथ साथ जिस तरह से प्राइसिंग की गई है टोल प्लाजा की, जिसमें मिनिमम 135 रुपीज आपको पे करना ही करना है सिंगल साइड ट्रिप के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ी अभी एक तरह से हम कहें तो प्रॉब्लम है जम्मू के लोगों की, जिसको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इतना ही कंसर्न उन लोगों के लिए है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 20 किलोमीटर में रहने वाले लोगों का टोल ही माफ कर दिया जाए, 20 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले लोगों से टोल ही ना लिया जाए, स्लैब्स क्यों रखे जाएंगे, सबसे पहला सवाल ये है। उसके बाद राहुल जी हम बात करते हैं टोल लिया क्यों जाता है। आप देख लीजिए जब भी हम लोग श्रीनगर एंटर करते हैं तो काजीगुंड में लगभग 50 से 60 साल एक टोल प्लाजा रहा है, लेकिन उस टोल प्लाजा के रहने के बाद भी उस सड़क की हालत इतनी खराब थी कि वहां से गाड़ियों को गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और दुश्वार होता है आज के दिन में भी वहां से लोगों को अपनी गाड़ियों का गुजारना। तो कहीं ना कहीं उस जगह पर एयरपोर्ट टोल प्लाजा के शुरू होने की आशंकाएं नजर आ रही है, तो लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में वहां पर ये टोल प्लाजा लॉन्च किया जाए, जैसे कि काजीगुंड कानेगढ़ टनल का जो इनॉग्रेशन होगा उसके बाद कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि वहां पर ये टोल प्लाजा लगाया जाए। लेकिन अगर वो रोड मेंटेन रहे, अगर वो कंडीशंस मेंटेन रहेगी तो लोग खुशी खुशी टैक्स देना चाहेंगे, रोड टैक्स जो टोल प्लाजा के थ्रू लिया जाता है। जबकि हमने पिछले दिनों में एक ऐसे विजुअल्स देखे हैं मुजफ्फरपुर में जहाँ पर गाड़ियां तक डूब चुकी थी सड़क में 3 घंटे की बारिश के बाद, जी अगर ऐसी हालत टोल देकर के भी लोगों को सफर करनी है तो फिर लोग टोल दे ही क्यों। राहुल जी आगे की बात हम लोग लेना चाहेंगे, जिस तरह से कंटिन्यूसली हमने टोल प्लाजा पर बात की है, जो वहां पर जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कंटिन्यूसली जो लोगों की एक तरह से हम कहें तो निराशा है जो लोग सामने रख रहे हैं, ऐसे में हमें लगता है पर उन लोगों के सामने उनके साथ बात करके इस चीज को सॉल्व करना ही बेहतर है, ना कि ट्वीट्स पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रेजुलेशन है उनके जो पहले से आए रेगुलेशन है उनको ट्वीट पर डालना। जी राहुल जी अमजद एक बहुत क्लियर टाइमिंग्स आई हैं, जिस तरीके से DDMA पुलवामा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पुलवामा, जिन्होंने साफ तौर पर, हम अक्सर बात करते हैं कि कुछ इसी तरह के भी ऑर्डर्स निकले हैं, टाइमिंग्स निकले, तमाम लोगों को एक सरल भाषा में समझ आनी चाहिए, कुछ उसी तरीके से आज का ऑर्डर जो निकला है ओपनिंग ऑफ शॉप्स ऑन 28, 29, 30 जुलाई 2020, कैसे लेते हो ये तमाम टाइमिंग्स जो सामने आई हैं? राहुल जी टाइमिंग्स का स्लैब जो है वो बहुत पहले से काफी बड़ी मुश्किल बना रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, जिस तरह से जम्मू में भी हमने देखे हैं कि वॉयलेशन काफी ज्यादा है, 6:30 का टाइम हमें दिया जाता है शॉप क्लोज करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी
लगभग 3 से 4 घंटे लेट होती हैं दुकानें काफी तक। जगहों पर तो ऐसा होता है कि नॉर्मल रूटीन पे दुकानें खुल रही हैं सुबह 8 से रात के 10-12 बजे तक दुकानें जो है वो फंक्शनल है। जी या तो लोगों को टाइमिंग के बारे में मालूम नहीं है, या अगर उन्हें मालूम है तो वो एक तरह से कैटेगराइज टाइमिंग जो हमें बताई गई थी कि आप इस मंडे को जो स्टेशनरी शॉप्स हैं वो खोल सकते हैं, ऑल डे खुला रह सकते हैं, टाइम लिमिट कितना है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी। तो अब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है या फिर डीसी पुलवामा जो है उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें जो टाइमिंग है सारी रिलेटिव टाइमिंग जितने भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनकी बताई है ब्रीफली, जिसमें कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनको, कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे भी हैं जिनको पूरी तरह से फुल डे ओपन रहने का परमिशन है। जी। उसके बाद कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो 5 to 6 खोल सकते हैं, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो सुबह 10 से शाम के 5 तक खुलेंगे, कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो रात दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स वाले दुकानें भी इसी तरह से सेम टाइम से खुलेंगी, मीट चिकन फिश पोल्ट्री या फिर जो ऐसी अन्य चीजें बेचने वाले दुकान है वो भी सेम टाइम तक खुलेंगे यानी सुबह 8 से लेकर दोपहर 1 बजे तक। बेकरी स्वीट शॉप भी सुबह 8 से 1 बजे तक खुलेंगे। तो उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो रखा गया है वो ड्रेस मटेरियल्स के लिए रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईद का त्यौहार आने वाला है और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ईद के त्यौहार पर नए कपड़े पहनना पसंद नहीं करेगा। तो इस चीज को नजर में रखते हुए ड्रेस मटेरियल्स क्लोथिंग जो और अन्य जितनी भी रिलेटेड शॉप्स आती हैं, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे जो शू शोरूम्स हो, चाहे और अन्य तरह के जितने भी ब्यूटी पार्लर्स सलून है, उनकी भी टाइमिंग फिक्स कर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप अपने जो बिजनेस यूनिट्स हमको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद किसी भी यूनिट को सिवाय केमिस्ट शॉप और मास्क मेकिंग यूनिट्स, उनके बगैर कोई भी यूनिट 6 बजे के बाद शाम को खुला नहीं रह सकता है। अब एक कंफ्यूजन जो है वो श्रीनगर वासियों में है कि कल के दिन में श्रीनगर खुलेगा या नहीं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्डर 27 जुलाई को एक्चुअली आया था कुछ दिन पहले, जिसमें ये बताया गया था कि एक लॉकडाउन इम्पोज रहेगा 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक का। तो उसमें क्लियरली लिखा गया था कि जो लॉकडाउन है वो इम्पोज होगा 8 PM 22 जुलाई से लेकर 6 PM 28 जुलाई तक के लिए, यानी कल रात 6 बजे तक के लिए जो लॉकडाउन है वो इम्पोज है। यानी कल के दिन में श्रीनगर के अंदर कोई भी मार्केट नहीं खुलेगी, क्योंकि काफी सारे लोग एक कंफ्यूजन में है, काफी सारे लोग एक ऑर्डर के इंतजार में अभी भी है कि क्या कल श्रीनगर में दुकानें खुलेंगी या नहीं। तो उनको बताना चाहते हैं हमारे सेशन के माध्यम से कि कल श्रीनगर में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी बिजनेस यूनिट को फंक्शन रहने का परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई यानी कल शाम 6 बजे तक जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज रहेंगी पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमजा जो कि श्रीनगर से तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अगर आज की बात करें, अगर आज सुबह एक लंबा इंतज़ार और लंबा इंतज़ार गंडोला का, जो कि बाहू फोर्ट से लेकर मुमाया माता तक जो केबल वैन शुरू की गई, हम आपको वहाँ पर भी लेके गए थे। आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी वहाँ पर पहुँचे थे और एक बहुत लंबा इंतज़ार, अगर पहले की बात करें, एक बार पहले भी जब वहाँ पर जब ओपनिंग करने की तैयारी की गई थी उसके बाद एक हादसा पेश आया जहाँ पर 2 से 3 व्यक्तियों की जान भी चली गई थी। उसके बाद दोबारा से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, टेक्निकल फॉल्ट जितने भी थे उसको साइड पर रखते हुए, आज एक बार दोबारा से वो तमाम लोगों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल तो कोविड-19 के हालात हैं और कोविड-19 के हालात जब ख़त्म हो जाएंगे, जब बाहरी स्टेट से लोग यहाँ पर आएंगे और जम्मू में जब घूमने के प्रयास करते हैं, जब घूमने की जगहें ढूंढते हैं, तो उनको एक और स्पॉट ऐसा मिलेगा जहां पर वो केबल कार का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आज की बात करें तो रविंदर रैना जी, जिनका पहले कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया था, उसके 10 दिन बाद कई जगहों पर ये खबर भी र्यूमर से इतना फैल चुकी थी कि उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, उसके लिए हमने कंफर्म किया, रविंदर रैना जी को कॉल करके उनसे हालचाल पूछा और उनसे पूछा कि क्या ये खबर सच है कि गलत है। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि अभी फ़िलहाल आज मेरे 10 दिन हुए हैं, तो कल जो कल दिन चढ़ने वाला है तब मेरे दूसरा टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट का आना सामने आएगी। और उसी तरीके से जब रविंदर रैना जी की दूसरी रिपोर्ट जब सैंपल कलेक्ट किए गए तो रिपोर्ट सामने आई तो वो नेगेटिव आई। फिलहाल वो होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए गए हुए हैं। तो लगातार आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर यूटी में नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस तो बढ़ रहे हैं, आंकड़ा तो बढ़ रहा है, वहीं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि आप SOPs और गाइडलाइंस का ख्याल रखें, बेमतलब बेवजह आप बाहर नहीं निकलिए, जिससे आपकी जान भी जो है वो खतरे में रहेगी और बाकी की जान भी खतरे में रहेगी। जुड़े बसेस के साथ राहुल खत्री गौरव के साथ बहुएसएस के लिए।